कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ कि मेरे पिताजी मुझे एक साल का मैं रहता हूँ तभी मेरे पिताजी मुझे शहर मुझे छोड़ के चले जाते हैं गांव में, और वो शहर में काम करने के लिए आती है। मेरी माता जी हैं जिनको मेरी ग्रैंड मदर जो है वो, और समाज के कुछ आजू बाजू के लोग जिन्होंने परेशान किया हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी ऑलरेडी 3 से 4 साल तक शहर में ही रहते हैं, जिसकी वजह से गाँव के जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, और उस बातों को लेके जब मेरे पिताजी शहर से गाँव में आते हैं तो ऐसा होता है कि मेरी माता जी के दिन दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है कि शायद उन्होंने कोई दूसरी वाइफ रख रखी है शहर में, इसलिए मुझे मेरे पिताजी के साथ शहर भेज देती हैं, और मेरे पिताजी मुझे इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं। मैं शहर में आता हूँ और मेरे पिताजी मुझे दूसरे के हवाले कर देते हैं कि आपकी ये बड़ी माँ है और मैं उनके साथ रहता हूँ, और उससे आगे चल के वो मुझे धीरे धीरे टॉर्चर करती हैं और मेरा एक दूसरा ही रूप हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी सौतेले हैं, सगे नहीं हैं, और इस तरीके से मेरे और उनके बीच में डिस्टेंसेस पैदा होते हैं। और फिर क्लाइमेक्स ऐसा है कि एक लड़की की एंट्री होती है जो जो भी मेरे साथ घटनाएं हुई उसको वो देख रही है, और उन घटनाओं को सहानुभूति के जैसा वो देखते देखते उसको मुझसे प्यार हो जाता है। और मेरा कॉन्सेप्ट जो है, मेरा जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि मैं कुछ बन के दिखाऊँ और कुछ करूँ ताकि मेरी माँ को सेटिस्फेक्शन मिल सके। और होता ऐसा है कि मैं अपने रास्ते से भटक जाता हूँ, ये प्यार बीच में आ जाता है जिसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसका एक अलग ही मुकाम है, इसीलिए रखा है इसका नाम प्रीतिया दोहरे नाम। प्रीतिया इसलिए रखा है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि प्रीत सिर्फ महबूबा या गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ की जाए। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि प्रीत जो होती है, प्रीतिया जो शब्द है, ये अपने माँ बाप के प्रति भी है, अपने वाइफ के प्रति भी है, अपने कहते हैं ना कि सिद्धांत के प्रति भी मैंने प्रीत निभाई, इसमें ये सब चीज़ें, इसलिए इसका नाम रखा है प्रीतिया दोहरे नाम। और कुछ इस फिल्म के अलावा और कोई प्रोजेक्ट है, मैंने अभी एक हिंदी एल्बम किया मुंबई की भूल भुलैया, इस एल्बम को करते करते मुझे बहुत एक्सपीरियंस आया, जिसकी वजह से मुझे ये देखने के लिए मिला किसी भी नए आदमी का इंडस्ट्री में एंट्री होके खड़ा होना और अपने मुकाम पर पहुंच पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि ये जो फिल्म इंडस्ट्री या ये जो लाइन है इसमें इतने चीटर भर गए हैं कि हमारे जैसे नए आदमी को खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि शुक्रिया करता हूँ राहुल सक्सेना जी का, जिन्होंने मुझे एक हौसला दिया, और कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ जिनके हौसले की वजह से मैं आज आगे आया, जो आज मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और मैंने मेरा पिछला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जो जल्द ही रिलीज होने वाला है। वेलकम जी। सर सुन बात करेंगे इस फिल्म का, आज मुहूर्त भी और शूटिंग हो रहा है, किस तरह से फिल्म बनने वाली है? आज मेरे जीवन में सबसे खुशी की दिन है, क्योंकि मैं भी एक अखबार का एडिटर हूँ, आपकी आवाज़ आज पहली बार मैं एक भोजपुरी फिल्म का डायरेक्शन करने जा रहा हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो भोजपुरी में पहली बार इस तरह का फिल्म बनने जा रहा है, और इस कॉन्सेप्ट से शायद हो सके कि कल का दिन में भी डायरेक्टर के नाम से पहचान भी मेरा नाम हो जाएगा, मतलब लोग जानेंगे कि आज कल का एडिटर आज का डायरेक्टर। आप पार्थो घोष जी के असिस्टेंट रहे, आज पहली बार कर रहे हैं निर्देशन, तो उनका कितना छवि फिल्म में देखने को मिलेगा? पाथरा मेरा गुरु है, आज जो भी कुछ सीखा उनसे सीखा, और हमने हिट हिट फिल्म काम की है, अग्निसाक्षी, दलाल, तीसरा कौन, गुलामी मुस्तफ़ा, नाना पाटेकर जैसे इतने बड़े बड़े स्टार के साथ हमने काम किया है, आज हम पहली बार भोजपुरी फिल्म कर रहे सब भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ, इसमें मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि आज मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम कर रही था, मैं असिस्टेंट था, उसके बाद मैं चीफ असिस्टेंट बना, उसके बाद एसोसिएट बना, उसके बाद आज मैं मेन लीड ऑफ डायरेक्टर। अभी एक फिल्म की शूटिंग चली तो सीन क्या था? अभी सीन ये था कि जो हीरो है वो हीरो हमेशा किसी से उधार लेता है, सट्टा खेलता है, और बाद में पैसा चुका देता है, तो उसने जो इस पिक्चर के जो हीरोइन है उनसे उसने कुछ कर्ज लिया था, तो उन्होंने जीता और वही कर्ज उनको दे रहा है, ये सब दिया गया था। ये किस तरह से पूरी फिल्म बनने वाली, दर्शक कब तक देख पाएंगे? हमारा उम्मीद है कि ये फिल्म आज मुहूर्त हुआ है जो जुलाई 1st वीक में हम लोग जा रहे हैं आउटडोर शूटिंग करने के लिए उमरगांव, 1st शूटिंग में ये पिक्चर खत्म करेंगे, और उम्मीद रखते हैं कि सितंबर के अंदर हम ये फिल्म रिलीज कर देंगे। हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे जो आपको देख पा रहे हैं? दर्शक से हम यही कहेंगे आज ये हमारी पहला फिल्म है, पहला फिल्म करने जा रहा हूँ, आप लोग सब देखिएगा, और आप लोगों का आशीर्वाद आज हमें कायम डायरेक्टर बना सकता है। क्या कहेंगे आज फिल्म की जो शूटिंग?